Hi guys, welcome to my channel Learn English with Farah. Today the video is about class demo. How to give class demo. अगर आप नए टीचर हैं और आपको क्लास में पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे. पार्ट वन मैंने ऑलरेडी परसों अपलोड कर दिया था और ये पार्ट टू है. तो गाइज चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है. तो भी क्लास आपको समझ आया, मान लीजिए नया टीचर है वो पूछ रहा है बच्चों से कि समझ में आया कि नहीं. सो देन क्लास हैव यू अंडरस्टूड. So then class have you understood. The next sentence is हाथ ऊपर करो जो ना समझा हो. Raise your hand who don't understand. Raise your hand यानी कि हाथ ऊपर करो who don't understand जो समझा ना हो. The next is अच्छा रवि तुम्हें समझ नहीं आया. मान लीजिए रवि कोई बच्चा है उसको समझ नहीं आया उसने हाथ ऊपर कर दिया तो ओके रवि यू डोंट अंडरस्टैंड. ओके रवि यू डोंट अंडरस्टैंड. बोर्ड तक आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ. कम टू द बोर्ड आई विल एक्सप्लेन यू. मैम बोल रही है ना कि बोर्ड तक आओ मतलब बोर्ड के पास आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ. कम टू द बोर्ड आई विल एक्सप्लेन यू. मुझे बताओ जहाँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा. टेल मी वे यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट. टेल मी Where you are not getting my point. The next is रवि बोलता है टीचर मुझे इस शब्द का मतलब नहीं पता. टीचर आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. टीचर आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. वो बच्चा बोल रहा है कि मुझे समझ नहीं आया इसका मीनिंग. क्या तुम्हें पता है इसे कैसे बोला जाता है. तो अब टीचर बोल रही है कि डू यू नो हाउ टू प्रोनाउंस इट. प्रोनाउंस यानी कि किसी शब्द को कैसे बोला जाए. प्रोनाउंस डू यू नो हाउ टू प्रोनाउंस इट. इस शब्द को पढ़ा जाएगा ज़ील यानी कि उत्साह जोश. दिस वर्ड विल बी प्रोनाउंस एज ज़ील मीनिंग enthusiasm. This word will be pronounced as zeal meaning enthusiasm. क्या तुम्हें समझ आ रहा. Are you getting my point. क्या तुम्हें समझ आ रहा. Are you getting my point. Guys please आप लोग भी ये सब sentences use कीजिए class में. अगर आप teacher हैं तो बहुत ही help होगी आपकी. इसे 5 बार लिखो तुम्हें याद हो जाएगा ताकि याद हो जाए. राइट इट डाउन 5 times सो दैट यू कैन लर्न इट. 5 बार लिखो ताकि याद हो जाए. क्लास अब आपको पता चल गई इसकी मीनिंग. नाउ द टीचर इज आस्किंग टू द क्लास दैट हैव यू अंडरस्टूड दिस मीनिंग. क्लास नाउ यू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. द नेक्स्ट सेंटेंस इज रवि अब अपनी सीट पर जाओ. अब रवि को समझ में आ गया मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. सो नाउ शी इज सेइंग दैट रवि नाउ गो बैक टू योर सीट. रवि नाउ गो बैक टू योर सीट यानी कि अपनी सीट पर जाओ. अब पार्ट 7 खोलो. नाउ द टीचर इज सेइंग टू द क्लास दैट ओपन चैप्टर 7. She is commanding that now open chapter 7. पहले वाक्य के नीचे लाइन खींचो. मान लीजिए chapter 7 खुल गया और फर्स्ट सेंटेंस क्या है तो मैम बोल रही है उसके नीचे लाइन खींचो. तो अंडरलाइन द फर्स्ट सेंटेंस. लाइन खींचना यानी कि अंडरलाइन. अब इस वाक्य का क्या मतलब हुआ बताओ मुझे. क्लास से पूछ रही है कि इस वाक्य का क्या मतलब है जो अंडरलाइन किया है तुमने उसका मतलब मुझे बताओ. नाउ टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. नाउ टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. सुनीता खड़ी हो जाओ और समझाओ. मैम ने मान लीजिए सुनीता को उठा दिया और बोला कि चलो सुनीता तुम समझाओ क्या मीनिंग है इसकी. सुनीता स्टैंड अप. सुनीता खड़ी हो जाओ एंड एक्सप्लेन और समझाओ. एक्सप्लेन यानी कि समझाना समझाओ. वाक्य है राम 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा. तो सुनीता बोल रही है कि मैम ये हिंदी वाक्य है कि राम 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा है तो इसकी इंग्लिश होगी. द सेंटेंस विल बी राम इज स्टडिंग फॉर 3 आवर्स. स्टडिंग के बाद फॉर हो गए 4. तो मैम बोलती है बहुत अच्छे बैठ जाओ
एक्सेलेंट सिट डाउन, या फिर वंडरफुल सिट डाउन, सिट डाउन यानी कि बैठ जाओ। तो क्लास आज का होमवर्क मार्क करो, सो क्लास मार्क योर होमवर्क फॉर टुडे, सो क्लास यानी कि तो क्लास मार्क योर होमवर्क, अपना होमवर्क मार्क करो फॉर टुडे आज का। दूसरी क्लास में मिलते हैं, टीचर बोल रही है ना कि विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, विल सी यू इन द नेक्स्ट पीरियड, इस तरह बोल सकते हैं आप। तो गाइस प्लीज़ रिपीट दी सेंटेंसेस, तभी आपको फ़ायदा होगा मेरा वीडियो देखने का। सो दिस इज़ द वीडियो एंड गाइस प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट एंड प्लीज़ शेयर एज पॉसिबल एज यू कैन सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर